टाइटैनिक। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे टाइटैनिक के बारे में। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानें टाइटैनिक की खासियत और डीमेरिट्स के बारे में, जिसकी वजह से वह डूबा। तो टाइटैनिक की पहली या आखिरी जर्नी शुरू होती है लंदन के साउथहैम्पटन शहर से न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। टाइटैनिक की ओनर थी WSL, वाइट स्टार लाइन, जो ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी। तो वाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक शिप का बनाने का ऑर्डर 17 सितंबर 1908 को दिया था, जिसके बिल्डर थे हार्डलैंड एंड वुल्फ, जो बेलफास्ट की एक कंपनी थी। RMS टाइटैनिक को बिल्ट करने का प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 31 मार्च 1911 को, और वह कंप्लीटली बनकर तैयार हुआ था 2 अप्रैल 1912 को। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप डॉकयार्ड से निकली और 14 अप्रैल 1912 लगभग 11:40 PM अकॉर्डिंग टू शिप्स टाइम वह आइसबर्ग से टकरा गई, और टाइटैनिक शिप को डूबने में लगभग 2 घंटे 40 मिनट लगे। टाइटैनिक शिप 2 घंटे और 40 मिनट में पूरी तरीके से पानी के अंदर समा गई। टाइटैनिक शिप को बनाने में लगभग 7.5 मिलियन डॉलर का खर्च आया था, और टाइटैनिक शिप में लगभग 3500 लोग सफ़र कर रहे थे, इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स। और टाइटैनिक शिप को कहा जाता था वह कभी नहीं डूबेगी, लेकिन वह डूबी और उसमें हजारों लोग मारे गए।